अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक 7 की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे सॉल्व। उससे पहले एक पेज और दिया हुआ है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर 3.5 को शुरू करते हैं। तो इस पेज में क्या है देखें, बहुत आसान सी बात है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट कैसे होगा, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स बाय राउंडिंग ऑफ अप टू द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स। राउंड ऑफ करना है अप टू द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद के नंबर हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो आप उनमें से कुछ ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। कितने ले लेते हैं, जितने सवाल में बताया हुआ हो। इस सवाल में बताया हुआ है कि दो लेने हैं, अगर दो लेने हैं तो इसमें डेसिमल के बाद के दो उठाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। डेसिमल के बाद के दो उठाएंगे, उसके बाद देखेंगे जो पहला नंबर बचा वो 5 या 5 से ज्यादा है। जो पहला नंबर बचा वो 5 या 5 से ज्यादा है तो उससे पिछले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे। तो देखें 0.5 बचा था, 0.05 बचा था, ये भूल के कर दिया इन्होंने, अभी दिखाते हैं, 0.06 कर दिया। 2 नंबर तक लेना है, देखें 2 प्लेसेस तक, ये 2 लिए, उसके बाद का नंबर छोटा है तो हो जाएगा 2.42, नहीं बढ़ेगा। 2 डिजिट्स तक लेना है, ले लिया, अगला वाला छोटा है 0.83, ये क्या हो जाएगा 1.77, ठीक है। यही तरह से अगर 3 डिजिट तक लेना है, जी मैं नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो आप खुद करें, क्या हार्ड है, तो 99 बोलो जम्बो जो जो बहुत मुश्किल हो चाचा, क्या मतलब भाई 99 आ रहा है, तो 0.99 बस, क्योंकि अगला नंबर बड़ा है, छोटा है। अगर ये यहाँ पे 6 होता तो ये 1 इसको देता और ये 1 इसको देता तो ये बन जाता, तो ये हो जाता 1.00। वो ऐसे होता कि 0.99 है ना, ये जब इसको 1 देता तो ये 10 हो जाता, इसको 1 मिलता है 10 हो जाता और ये 1.00 हो जाता। खुद सोचें 99 पैसे में 1 पैसा डाल दें तो 1 रुपया हो जाएगा ना, 99 रुपीज़ में 1 रुपया डाल दें तो 100 रुपये हो जाएगा, तो ये 1.00 ऐसे हो जाएगा। मैं बताया था कि 3 प्लेस तक भी ले सकते हैं, 3 प्लेस तक लेने के लिए आपको यहाँ तक लिया, ऐसे मार दिया आपने, 0.575 था आखिर में एक और, तो ये इसको बढ़ा देगा तो 0.058 हो गया। ये लिया आपने तो 2.42 यहाँ तक लेना है, क्या बनेगा ये आखिरी वाला नंबर, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा 2.422 हो जाएगा। अनाभिया समझ में आ रहा है क्यों बढ़ेगा, जहां तक नंबर लेने होते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक लेने हैं, 3 डेसिमल को अंडरलाइन किया, यहां पे लाइन लगा दी, उसके बाद का जो पहला नंबर है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो अपने पिछले नंबर को 1 बढ़ा देगा। ये क्या मसला है इसमें, तो ये हो जाएगा 6.987, अपना आखिरी नंबर में 1 नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि बाद के नंबर 5 या 5 से बड़े थे, अभी तो किया हमने बात। अब इसको अगर 2 प्लेस से बढ़ाएंगे, देखें ये डेसिमल अगर 2 प्लेसेस तक रहेगा तो हो जाएगा 8.09, लेकिन अगर 3 प्लेस तक रखना हुआ तो बनेगा 8.085 क्योंकि 4 छोटा है, और 4 प्लस प्लेस तक रखना होगा तो बनेगा 8.0855 क्योंकि 7 बड़ा है। ये बात समझ आ रही है, तो ये तो एक एक्टिविटी है, पूरा चैप्टर ये चार्ट पूरा करके आइएगा। सर ये 9 ही आएगा क्या, कहाँ बेटा, कौन से सवाल में, इसमें 9 ही आएगा, कौन कितने प्लेस तक, पहला सवाल है कितने प्लेस चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 4 तक चाहिए, तो ये हो जाएगा ऐसे, बाकी सब कुछ वैसे ही उतरेगा, 8 उतरेगा, 9 उतरेगा, नहीं क्यों 9 उतरेगा, सिर्फ आखिरी वाला नंबर चेंज होगा, आखिरी वाला नंबर अपने जस्ट एक पहले वाले को चेंज करेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, असल एक्सरसाइज पे आते हैं, असल एक्सरसाइज वही है जो पहले की थी, कुछ फर्क नहीं है इसमें। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
अप टू थ्री प्लेस, और आसान हो गया, तीन तक करना है खाली। अब इसमें क्या मसला है, क्या मुश्किल है, क्यों? कोई एक सवाल करूंगा बस अब मैं इसमें। 27/64 पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, अब ये तो टेबल याद ही है मुझे चूंकि बहुत अच्छा सा है ना। एक मिनट कैलकुलेटर खोल लूँ ताकि टेबल याद हो जाए मुझे। वो एक बटन दबाता हूँ उससे टेबल याद हो जाता है। अच्छा तो 270/64 फोर जा आएगा, 64 4 256। ठीक है, 14 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतर गया। 140/64 2128। क्या बचा, कितने प्लेस तक जाना था? 3। जब 3 तक जाना हो तो 4 तक जाके एक वापस आते हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ क्यों। क्या बचा, 140 में से 128 माइनस किए 12 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार दिया। तो 120 जब 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 64। तो 120 माइनस 64 इज 56, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार देंगे तो 560/64 is 8000। 64 8000 512। क्या बचा, -48। ठीक है, अच्छा 48 क्या 64 से जाता है, जाना चाहिए, करें, नहीं करना ना। जब 3 प्लेस तक कह दिया इन्होंने, जब इन्होंने कह दिया कि 3 प्लेसेस तक लेना है खाली, तो फिर आपको चौथे पे लेके रुक जाना है। और चौथा क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि आंसर लिखते वक्त हम लिखेंगे 270/64 = 0.422। क्योंकि 3 प्लेसेस तक लेना था, चौथा प्लेस 5 या 5 से बड़ा होगा से पीछे वाले को 1 बढ़ा देगा, और नहीं बढ़ा होगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब आ गया। सारे सवाल ऐसे ही होने हैं, हाँ ये बता दें, टर्मिनेटिंग नॉन बता दें। तो ये तो आप बता ही सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है, ठीक है। आप इस तरह से घसीटा मार के मत लिखिएगा, ये तो मेरी मुझे जाता है खाली घसीटा मारने की, ठीक है। एक सवाल और कर देता हूँ, खाली एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूँ। 81/96 सवाल यहाँ लिखेंगे, 81/96 माइनस में, तो 91 1 91 भाई कैसे आएगा, पहले डेसिमल तो लगा दूँ, डेसिमल लगाया, जीरो उतारा, 9 9 81 होता है तो 9 8 का होगा कुछ, तो 96 8 768 768 को जब 810 से माइनस किया तो 42 बचा, पॉइंट लगा था, जीरो उतार लिया, तो 420/96 ये आ गया 4096 4384। जब 384 को माइनस किया 420 से बचा 36, ऐसे में लगा है, जीरो उतार दिया, तो 360/96 बचा 3000। 96 3000 बंद होता है 288। 288 को माइनस किया आपने 360 से, बचा 72। आखिरी नंबर ले रहे हैं हम, ऐसे में लगा है, जीरो लगा लिया, तो 720/ करेंगे जब 96 से तो 7000 आएगा, 96 7 672 672 में से माइनस कर लेंगे 720 तो बचेगा 48। रिकरिंग भी नज़र नहीं आ रहा हमें, है ना, कहीं रिकरिंग नहीं दिख रहा, तो हम आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन था -0.844।
और ये बता देंगे रिकरिंग, नॉन नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई, इसका अगले अगले कुछ सवाल भी बाकी हैं जी। ना भी समझिए, आप कुछ पूछ रही हैं। फोर्थ से मत यहाँ पे कहाँ, तो फिर उसको थ्री तक शॉर्ट करेंगे और बता देंगे टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंक है कि नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर टू देखें इसका, तो एग्जैक्टली वही सवाल है पीछे करके आए हैं, वही सवाल है, बस क्या है कि अप टू टू प्लेसेस लेने, तो उसमें क्या मसला है। फिर इसका कोई एक सवाल सॉल्व कर देता हूँ, 11/12 कर देता हूँ, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने कहा 11 छोटा है, डेसिमल लगाया, जीरो लगाया, आपको बताया 12 10 120 होता है, तो 10 तो नहीं होगा, 9 ही होगा, तो 12 9 तो टेबल, तो ये तो सबको याद होता होगा 12 9 क्या होता है, 108 है, मुझे भी याद है, ठीक है। बच्चा 2 डेसिमल लगा हुआ, जीरो लगाया, 12 12 हो गया। बच्चा 8 डेसिमल लगा हुआ, जीरो लगाया, तो आपने किया 12 6 72। बच्चा 8, अब देखें ये रिकरिंग हो गया यहाँ पे, फिर क्या बचेगा, ये लगाया 12 6 72, बचा 8 6 72, नहीं कर रहे नंबर सिर्फ, लेकिन 4 डिजिट में जाके पता चल गया कि रिकरिंग हो चुका है, सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, हालांकि करना हमें 3 डिजिट तक था, लेकिन ये सवाल स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, मुझे 4 डिजिट तक से पता चल गया कि रिकरिंग हो गया, तो कम अज़ कम 4 तक तो करना था ना हमें। अच्छा अब हमने देखा इसको, इसका आंसर क्या लिखेंगे, 11/12 इज इक्वल्स टू 0.92 916, लेना 2 प्लेस तक था, तो 91 लिया, उसके बाद वाला बड़ा था 5 या 5 से बड़ा था, तो उसने इसको एक बढ़ा दिया, 0.92 आंसर आ गया। फिर हम यहाँ लिख देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, ठीक है, ये रिकरिंग भी आपने देख लिया, तो ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो वही क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जैक्टली वही सब कुछ है जो इसमें था, सिर्फ क्या फर्क हो रहा है कि 3 प्लेसेस तक लेना है। फिर एक कुछ सवाल देख लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ 9/7, इसलिए कह रहा हूँ कि वो जल्दी हो जाएगा, क्विकली आपको समझा सकूँगा मैं। 9/7, 7 1 7 बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 2 14 हो गया, क्या बचा, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया, 7 7 49, 7 8 56, अल्लाह हाफिज़, 7 8 56, नहीं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ नहीं कह रहा, ये बाहर बच्चे जा रहे हैं उनको अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ। 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा दिया, अब आप देखें 7 5 35, बचा 5, अब ये पहले हमें कहाँ तक लेना, सॉरी 3 डेसिमल तक लेना है, हाँ तो एक और करेंगे, 0 लगाया, 7 5 7 7 49, बस यहाँ तक काफ़ी है, तो हम आंसर लिखेंगे 9/7 इज इक्वल्स टू 1.25, सो 1.286, 3 प्लेस तक लेना था, इसलिए 5 या 5 से बड़ा था, उसने इसको एक बढ़ा दिया, और हम ये कहेंगे ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा इसलिए नॉन रिकरिंग है, ठीक है। सेम वही सवाल हो गया, जो 2 था वही 3 हो गया, इसमें 2 प्लेस था इसमें 3 प्लेस हो गया, और ये सवाल तो बच्चों वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल कंप्लीट करवाया था, ये उसी की प्रैक्टिस है, अप टू 2 प्लेसेस, ठीक है। अभी इन्होंने क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस, बहुत आसान है, ये लाइन लगाओ 2 प्लेस के बाद, अगर 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो उसको एक दे दो, ये बन जाएगा 0.46, ये बन जाएगा, ये देखें, नहीं टेबल नहीं बना, बस नीचे आंसर लिखते जाएं, 0.36,
क्योंकि 4 5 से छोटा है तो वो आगे वाले को नहीं पढ़ाएगा। ये बन जाएगा 0.67, ठीक है। ये बन जाएगा 2.05 क्योंकि आगे वन है वो छोटा है। ये बन जाएगा 13.09 में एक ऐड हो जाएगा। जब 9 का चक्कर होता है ना तो उसमें एक ऐड करके मैं दिखाता हूँ आपको। 13.096 है, इसको जब एक देंगे तो 9 से 10 हो जाएगा यानी इसको बढ़ जाएगा तो 13.10 हो जाएगा। बस ये समझना है आपको। इसका एक तरीका ये भी है 13.09 लिख के उसमें 1 प्लस करके देख लें, 9 प्लस 1 10 1, ये देखें तो 1 प्लस होता है तो 09 से 10 हो जाता है। ये याद रखने की चीज़ है एक, ठीक है। और कहीं 9 वाला चक्कर है, ये है 9 वाला चक्कर, 3.99 है ना, ये यहाँ से एक बन देगा, ये इसको बन देगा, ये इसको बन दे देगा। दिखाता हूँ मैं कैसे, 3.999 इसने इसको बन दिया, आप ये देख लीजिए 3.99 में प्लस कर दें 1, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 1 4। और वैसे भी सोचें 3.99 में 1 रुपया जोड़ेंगे 400 बनेंगे ना, 3.99 में 1 जोड़ेंगे 0.1 जोड़ेंगे तो 4.00 बनेगा, 0.01 मतलब। तो बस ये फ़र्क रखिएगा कि अगर आगे 9 आ रहा है तो वो फिर उससे अगले वाले को देगा, फिर उससे अगले वाले जी, इसका आंसर होगा 4.00। जैसे मल के 2 प्लस 6 तक लेना है तो 0.00 लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इस हवाले क्वेश्चन नंबर 5, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस। अब 3 प्लेस से कर लो भाई, 3 छोड़ के ये देखो 4.517, 4.517 इस पे ले लें आप 3 प्लेसेस तक, 6.747, ये तो 1 मिनट की एक्सरसाइज है पूरी, 4.105 क्योंकि अगला नंबर 3 से 5 से छोटा है, बस आएगा ही नहीं, कट जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। 66.396 क्योंकि 5 ऑफ क्या 5 से बड़ा है, ये वही वाला सवाल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आखिर वाला 0 है, ये इसको बढ़ाएगा ही नहीं, तो इसका आंसर यही रहेगा 102.999 क्योंकि इसके आगे नंबर कोई बड़ा है ही नहीं। ये कुछ फर्क पड़ेगा, ये 6 इसको बढ़ाएगा तो ये इसको बढ़ाएगा तो 59.920। 919 में एक बढ़ा दिया तो 920 बन गया, ठीक है। तो ये सवाल थे भाई सारे आसान आसान से, यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, उसका आपका टेस्ट भी होना चाहिए, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन उसके ज़्यादातर सवाल मैं नहीं करके दिखाऊंगा, बल्कि उसमें से ज़्यादातर सवाल आपको खुद करने होंगे। तो खैर आप जब रिव्यू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर वो एक्सरसाइज कीजिएगा, अभी कम अज़ कम यहाँ तक कम्प्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, इतने आसान आसान सवाल दे रहा हूँ उससे बहुत खुश होइएगा, अल्लाह हाफिज़।